हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द एप्पल, और इसको लिखा है इंग्लिश के बहुत ही एक फेमस साइंस फिक्शन राइटर H.G. Wells। H.G. Wells एक ब्रिटिश राइटर थे हु वॉज बॉर्न इन 1866 एंड डाइड इन 1946, और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में साइंस फिक्शन जैसे जॉनर को पायनियर किया। इनकी स्टोरी अपने अनयूजुअल थीम्स और सब्जेक्ट मैटर्स के लिए बहुत फेमस थी। द एप्पल स्टोरी में एप्पल का फ्रूट नॉलेज का सिंबॉलिक है। H.G. Wells ने इस अनयूजुअल स्टोरी के जरिए इंसान के माइंड का एनालिसिस किया है, जो यूं तो कुछ जानने के लिए बड़ा बेचैन रहता है, मगर जब उसे नॉलेज लेने का मौका मिलता है तो वो एक डिलेमा में, एक दुविधा में फंस जाता है। कहानी में इस आइडिया को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि अगर हमें पूरे संसार की नॉलेज लेने का मौका मिले तो क्या होगा। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। मिस्टर हिंचक्लिफ लंदन यूनिवर्सिटी से एक मैट्रिकुलेट हैं और उनको होमवुड नाम के एक ग्रामर स्कूल में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ऑफर हुई है, और वो एक ट्रेन से जो कि ससेक्स जा रही है वहां पे अपनी पोस्ट को लेने जा रहे हैं। ट्रेन में उनके पास एक मिडिल एजेड स्ट्रेंजर बैठा है। वो स्ट्रेंजर बताता है कि उसके पास एक एप्पल है, जो कि एक आम एप्पल नहीं, रादर वही गोल्डन एप्पल है जो कि द बाइबल के ट्री की नॉलेज पे उगा था और उसे एडम और ईव ने खाया था और उन्हें पूरी दुनिया की नॉलेज हासिल हो गई थी। मगर गॉड ने पैराडाइज में भेजते वक्त एडम को इस ट्री का एप्पल खाने की खास मनाही की थी, मगर इस एप्पल को खाकर वो दुनिया के पहले सिनर्स यानी कि पहले पापी बन गए थे, और इसी वजह से उन्हें पैराडाइज से यानी कि स्वर्ग से निकाल दिया गया था। वे एक गोल्डन ग्लो लिए हुए एक बहुत ही सुंदर जूसी और सॉफ्ट एप्पल है जो कि करीबन 3 महीने से उस स्ट्रेंजर के पास है। स्ट्रेंजर सारी कहानी बताता है कि उसे एप्पल कैसे मिला। तो जो कहानी वो स्ट्रेंजर बताता है वो एक बिब्लिकल लेजेंड है, यानी कि द बाइबल से ली हुई स्टोरी है, और वो बताता है कि जब जो कुर्द्स थे और आर्मेनियन थे उनकी वॉर लगी थी, तो वो आदमी जिससे उन्होंने एप्पल खरीदा था वो कुर्द्स से छुपकर, यानी कि कर्ड्स हम जो कुर्दिस्तान के निवासी हैं, वहां से छुपकर बहुत बड़ी झाड़ियों और कंटीली घास में से जंगल में भाग रहा था। जो कर्ड्स के सैनिक थे उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने सारे जंगल को आग लगा दी थी। जंगल में मौजूद सारे आर्मेनियंस मर गए थे, मगर उसने किसी तरह अपने आप को बचाए रखा और आखिर में उसे उसका एक जो साथी शेफर्ड था जो उसे बिछड़ गया था वो उसे मिल गया। वो दोनों पहाड़ों की बर्फ की तरफ चले गए और 3 दिन तक वही घूमते रहे, क्योंकि नीचे आने पर उन्हें डर था कि जो उनके दुश्मन है वो उसको मार देंगे। 3rd दिन उनको एक विजन आया, यानी कि उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो रात के वक्त एक अजीब सी वैली में है जहां पर कुछ बहुत ही थिक फॉरेस्ट हैं, और उन फॉरेस्ट में येलो कलर के फ्लावर्स के ट्रीज हैं जिन पर से चमकते हुए ग्लोब जैसे गोले लटक रहे हैं, और अचानक ये वैली इतनी गोल्डन फ्लेम की वजह से चमकने लगती है। तो उनको ये पता चलता है कि ये ईडन गार्डन्स है जो भगवान ने एडम और ईव के लिए बनाया था। देखते ही देखते वहां पहरा देते सैनिक मुंह के बल गिर के बेहोश हो जाते हैं। दोबारा देखने पर वो पाते हैं कि वैली डार्क हो गई थी और फिर से चमकने लग गई। उस आर्मेनियन के शेफर्ड दोस्त ने लाइट की तरफ भागना शुरू कर दिया, मगर आर्मेनियन बहुत चंका सा खड़ा वहीं पे देखता रह गया। और फिर अचानक एक तूफान का शोर सुनाई दिया और किसी एंजल के होने की आहट उसके पर फड़फड़ाने से फील हुई। डर कर वो पहाड़ की ओर भागने लगा और भागते हुए किसी पत्थर से पैर टकराने की वजह से वो गिर गया और बेहोश हो गया। जब वो फिर से होश में आया तो वो अपने ही गांव के खंडरों में था जहां उसको स्ट्रेंजर और बाकी दूसरे गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन जब वो होश में आया तो उसके हाथ में वही गोल्डन एप्पल था जो उसके सपने में पेड़ों पे लटक रहा था।
वहां पर मौजूद सब लोगों को जब उसने इस लेजेंड कहानी के बारे में बताया तो उन लोगों ने कहा कि उन्हें ये स्टोरी पहले से पता है। उस भूखे प्यासे आदमी को पानी और रोटी के बदले स्ट्रेंजर ने वो एप्पल खरीद लिया, लेकिन अब वो उस एप्पल से परेशान हो गया है। वो कहता है कि हर चीज़ की नॉलेज होना परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कोई भी हमसे कुछ भी छुपा नहीं पाएगा और हम हर चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई जान पाएंगे, जो कि जीने का मज़ा ही ख़त्म कर सकती है और कभी कभी बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन उसके मन में ये भी डर है कि इतनी बहुमूल्य चीज़ को वो यूं ही फेंक भी नहीं सकता। इतने में मिस्टर हिंचक्लिफ का स्टेशन आ जाता है और वो वहाँ पर उतरने चला जाता है। हिंचक्लिफ ने बातों ही बातों में उस स्ट्रेंजर को बताया था कि नॉलेज का आइडिया उसे बहुत अपील करता है, इसलिए स्ट्रेंजर चाहता है कि वो एप्पल उसे हिंचक्लिफ को वो दे दे। और जब हिंचक्लिफ उतर रहा होता है तो स्ट्रेंजर उस एप्पल को हिंचक्लिफ की तरफ उछाल देता है और हिंचक्लिफ उसे पकड़ लेता है। अब ट्रेन से उतरकर उसे कुछ दूर पैदल चल के जाना है, मगर उसको ये नहीं पता कि वो उस एप्पल का क्या करे, क्योंकि अगर वो खाता हुआ शहर जाए तो उसे लग रहा है कि गांव वालों पर उसका इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। वो उसे अपनी साइड पॉकेट में रख लेता है, मगर इसके बाद वो बहुत कॉन्शियस हो जाता है क्योंकि जहाँ पे एप्पल डाला है वो हिस्सा उभर के बाहर आ जाता है। कोई वे आउट ना पाते हुए वो उसे एक बाग में फेंक देता है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का एक सिंबॉलिक मीनिंग है, वो ये कि सेब की तरह नॉलेज को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है और कई बार वो हमारी हद से भी आगे बढ़ जाती है। स्ट्रेंजर ने बताया था कि कोई भी नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन हम तक नहीं पहुंचती। जैसे एप्पल तो एडम और ईव ने खाया था, मगर हम सिर्फ उसके पाप के भागीदार बने, ना कि उनकी नॉलेज के। इसलिए नॉलेज को संभाल के रखना और संयम रखना लगभग इम्पॉसिबल है, वैसे ही जैसे हिंचक्लिफ के लिए लोगों से एप्पल छुपाना मुश्किल हो गया था। लोग सिर्फ अचीवमेंट्स ही दिखाना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंचक्लिफ अपनी पोर्टमोंटियो कैप अपने लगेज पे बांध के रखता है ताकि वो सब लोग देखें, क्योंकि वो पोर्टमोंटियो कैप उसकी अचीवमेंट, उसकी असिस्टेंट की जॉब को दिखाती है, इसलिए वो चाहता है कि लोग उसे देखें। मगर नॉलेज इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये आपसे निकल कर किसी तरह दूसरों तक पहुंचना चाहती है। नॉलेज का आइडिया ही हिंचक्लिफ, स्ट्रेंजर और आर्मेनियन अगर नहीं रख पाए तो वो नॉलेज कैसे रखते। एप्पल को फेंकने के बाद हिंचक्लिफ को कुछ रिग्रेट फील हुआ, मगर वो घर चला गया। उस रात उसको भी एक विजन हुआ जिसमें उसने वही वैली, वही तलवारें, गोल्डन फ्लेम और वही येलो फ्लावर्स ट्री देखे, और उसे पता चल गया कि ये दरअसल वही एप्पल था जो ट्री ऑफ नॉलेज पे उगा था और जिसको उसने फेंक दिया था। तो वो परेशान होकर उठ बैठा, और ये परेशानी उसे अक्सर घेर लेती। आखिर वो उस एप्पल को ढूंढने उसी जगह पर गया जहां उसने उसे फेंका था, मगर उसे वहां सिवाय घास और येलो फ्लावर्ड ट्रीज के और कुछ नहीं मिला। यहाँ पे वो कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी एक सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुए है और हमें उन सभी आदमियों की परेशानी के बारे में बताती है जो भी नॉलेज को हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसे संभाल के नहीं रख पाते। हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं @arjunEducation पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।